ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल सिलासी में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन डीएवी सभागार में हुआ। 2 दिवसीय कार्यशाला में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बच्चों को विषय ज्ञान उचित माध्यम से तथा नई तकनीक के द्वारा देने के लिए विभिन्न कक्षा गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूलों से आए हुए अध्यापकों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए ताकि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सके। डीएवी पब्लिक स्कूल सिलासी में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन डीएवी सभागार में हुआ। 2 दिवसीय कार्यशाला में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बच्चों को विषय ज्ञान उचित माध्यम से तथा नई तकनीक के द्वारा देने के लिए विभिन्न कक्षा गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूलों से आए हुए अध्यापकों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए ताकि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सके। कार्यशाला में डीएवी जोन डी के 10 स्कूलों के एलकेजी से दूसरी कक्षा के 97 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भाग लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने 2 दिवसीय कार्यशाला में अध्यापिकाओं के कार्य को सराहा है और आह्वान किया कि कार्यशाला में जो कुछ भी सीख कर जा रहे हैं उसे अपनी कक्षाओं में प्रयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन डीएवी संस्था द्वारा हर वर्ष किया जाता है ताकि अध्यापक अपने अनुभवों को साझा कर शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में कार्यशाला का आयोजन एचपी जोन डी के ARO BK यादव के दिशा निर्देश में किया गया। इस अवसर पर बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे डीएवी देहरा के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा, डीएवी बनखड़ी के प्रधानाचार्य एकता अत्री ने अध्यापिकाओं के द्वारा की गई गतिविधियों को सराहा और कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए डीएवी हमीरपुर के चेयरमैन आनंद स्वरूप ने सभी को शुभकामनाएं दी। डीएवी पब्लिक स्कूल्स पालमपुर क्लस्टर के ARO श्री वी के यादव जी के डायरेक्शंस के अंडर देयर वाज अ 2 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर VEDP टीचर्स व्हिच वाज कंडक्टेड इन डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। टुडे वाज द कंक्लूडिंग डे। इन ऑल द डेज, बोथ द डेज, द टीचर्स लर्नड वेरियस न्यू मेथड्स, दे शेयर्ड देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड दे इंटरैक्टेड विद ईच अदर। In the open session, they discussed about the whole sessions that they were performed within the last 2 days, and very heartily, very sincere learning took place, and teachers have learned the various methods of making their children more learned, making their classrooms more interesting, more educated, and of course, it will be a lot of benefit for all the youngsters who are studying in the classes LKG to 2nd and all the DAVs of Palampur cluster, that is HP Zone D. We are thankful to our Honorable Regional Officer, Sri VK Yadav, all the observer principals who came from the various DAVs to observe this workshop for 2 days, and the various school participants, which were 97 in number. We are thankful to all of them for their active, enthusiastic and stunning performances here and sharing their views, which is the motto of our DAV institutions, sharing and caring.